ट्रू मीडिया। ट्रू मीडिया जो पत्रिका है ये हमारे समय की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसके बहुत सारे अंक प्रकाशित हो चुके हैं और महत्वपूर्ण भूमिका हमारे साहित्य के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने में ये पत्रिका निभाएगी, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो जीवन के बारे में छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, छोटे छोटे बड़े जो उतार चढ़ाव हैं, हम इस पत्रिका के माध्यम से किसी लेखक के जीवन के बारे में मालूम कर सकते हैं। और ऐसा वो पत्रिकाएं जो काफ़ी नामी गिरामी पत्रिकाएं हैं, जिनके पास बहुत आर्थिक संकट नहीं है, वो पत्रिकाएं इस तरह का काम नहीं करती जो ये पत्रिका कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जब भी इस पत्रिका का एक बड़ा स्वरूप आपके सामने आएगा और ये हमारे विश्वविद्यालयों के लिए एक मानक पत्रिका बनेगी और ज़रूरत की पत्रिका बन जाएगी, ताकि बच्चे आपके बारे में, आपकी रचनाओं के बारे में जान सके। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये पत्रिका उसमें एक माइलस्टोन का काम करेगी। रामकिशोर उपाध्याय जी हमारे मित्र हैं, उनकी जो कविताएं हैं बहुत सहज प्रभाव में वो कविताएं लिखते हैं। कोई उस तरह का उनके वहाँ जो भाषा का जंजाल बुना हुआ है, जब हम पंथ की बात करते हैं, पंथ के पास कविता की जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, प्रकृति पुत्र उनको भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, ये परंपरा में हम बातों को कह रहे हैं, लेकिन हम उनकी पड़ताल करने की कोशिश नहीं कर रहे। सवाल ये है कि जो शब्दों का जाल पंथ ने अपनी कविताओं में बुना है, उसमें एक ही बात को बार बार हर जगह कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन समकालीन जीवन में कविता की क्या भूमिका हो सकती है, ये उपाध्याय जी की कविताएं जो मैंने इनका ताज़ा कविता संग्रह जो आने वाला है उसकी पढ़ी है। सचमुच में बहुत छोटी छोटी बातों को उन कविताओं में उठाया गया है। जो जिन जिन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, आप उन कविता में उसको ढालते हैं, वो हमारी ज़रूरत बन जाती है। ये महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इन कविताओं पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लीक से हटकर कविता है। कंप्यूटर है, क्या माउस है, इनकी क्या भूमिका है जीवन के साथ, कंप्यूटर के साथ? जब माउस नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा आपका जीवन नहीं चलेगा। ये एक से कोरिलेटेड है। तो इनकी जो छोटी छोटी कविताएं हैं बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाठक उनको सारा आंखों पर उठाएंगे और मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। ट्रू मीडिया के नवंबर 2016 के इस विशेषांक के विमोचन लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी, त्रिभुवन कौल जी, ओम प्रकाश जी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी और सभी उपस्थित विद्वत्जनों, ये मुझे बड़ा आज हर्ष का पल मिला है कि ओम प्रकाश जी के सुप्रयासों से ये मुझ अकिंचन पर एक विशेषांक निकालने का उन्होंने प्रयास किया। इसमें समाहित जितने भी लेख और जो विचार मेरे शुभचिंतकों मित्रों ने दिए, सबसे पहले मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जितनी निकटता से जाना, कितनी निकटता से जाना और उसमें लिख दिया। उस उतना तो मैं भी अपने बारे में नहीं जानता, लेकिन उन्होंने व्यक्त किया तो निश्चित रूप से ठीक ही उन्होंने लिखा होगा। मैं जहाँ तक मेरे इन शुभचिंतकों का प्रश्न है कि कोई भी, मैं नहीं समझता कि उनमें कोई भी मुझसे किसी चापलूसी की वजह से उन्होंने लिखा होगा, बल्कि मेरे प्रति जो उनके मन में सच्चे उद्गार आए होंगे उन्हीं को उन्होंने इसमें व्यक्त किया होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं उन सभी मित्रों का, शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे प्रति उद्गार व्यक्त किए और उनको शब्द रूप दे करके इस पुस्तक के रूप में एकाकार कर और इसको प्रकाशित किया, उसके लिए मैं उन सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और ट्रू मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि साहित्य की इस विशाल दुनिया में एक छोटे से सागर के एक बूंद में के रूप में मुझे भी उन्होंने अपने संसार में जगह दी। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक साहित्य सृजन का बात है और कविता की बात है, क्योंकि मैं मूलतः तो कवि हूँ, अभी कल हम अपने एक संकलन के लिए उसका संपादकीय लिख रहे थे, तो उसमें भी मैंने यही बात कहने की कोशिश की है कि कविता जो है एक कोई भौतिक या कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है,
कि आप कलम उठाएं या लेखनी उठाएं और लिखते चले जाएं या कंप्यूटर पर उतार दें। यह एक ऐसी रासायनिक क्रिया है कि जो मनुष्य की अनुभूतिजन्य बातों से या उनके अनुभवों से समय के अंतराल में या समय की गोद में पक करके जब वो कागज़ पर अभिव्यक्त होती है, तभी वो एक कविता के रूप में सामने आती है। और वही रचनाएं देर तक जिंदा रहती हैं कि जो रचनाएं अनुभव के खिचड़ी में या अनुभव की पतीली में या अनुभव की उसमें पकती हैं, वही रचनाएं ज़्यादा देर तक कालजयी रहती हैं। सिर्फ लिख देना ही मात्र जो है कवि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कवि को जो आज वो अनुभव कर रहा है, आज का जो सामयिक स्थिति है या जो उसका दुनिया से जो प्रभावित हो रहा है, जो दुनिया में जो उथल पुथल या जो विचार या जो अलग अलग तरह की उसकी अभिव्यक्ति हो रही है विचारों की, उन सबको देख करके समझ करके उनको अभिव्यक्त करना, ताकि वो समाज के लिए एक आईने के रूप में काम कर सके। कवि वो होता है कि जो अपने आने वाले समय की बात को भी अपनी कविता में आज कह सके। वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कवि एक भविष्य दृष्टा भी होता है कि जो आज के हाथ पर, आज की नब्ज़ पर हाथ रख करके कल की बात कहता हो। कवि सिर्फ वही नहीं है कि जो हमें अंधेरे में ले जा करके छोड़ दे, एक अंधेरी गुफा में ले जा करके छोड़ दे, बल्कि वो उनका, उन समस्याओं का, उन बातों का, या जो उसने अनुभव किया है, जो पीड़ा उसके मन में है, उस पीड़ा का निदान भी तलाशता रहे। कवि सिर्फ हमें अंधेरे की तरफ ना ले जाए, बल्कि उजाले की तरफ जो ले जाता है वही कवि होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि तमसा नदी के किनारे पर क्रौंच पक्षी के रुदन से जो कविता निकली, वो सदियों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। जब तक मन में पीड़ा रहेगी, जब तक मन में कसक रहेगी, तब तक कविता जिंदा रहेगी। कविता का स्वरूप बदलेगा। अगर वहाँ विरह का दर्द था, तो आज के समय में जैसे हम कह सकते हैं कि नोटबंदी का भी दर्द है, या कोई और भी बंदी का दर्द हो सकता है, क्योंकि जो लोगों की भावनाएं हैं वो भावनाएं कविता में व्यक्त होनी ही चाहिए। और कवि वही है कि जो सबकी बात कहता है, जो अपनी पीड़ा को सार्वजनिक पीड़ा के रूप में व्यक्त कर सकता है, वही कवि है। और वही कविता अपने समय के से आगे जाएगी, और आगे आने वाले समय में भी लोगों का मार्गदर्शन, लोग कवियों का मार्गदर्शन भी करेगी। हम बहुत सारे कवियों को पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे, लेकिन सफ़र ये ज़िंदगी का कविता लिखने का तब तक जारी रहेगा जब तक के व्यक्ति के मन में पीड़ा रहेगी, और वो व्यक्तिगत पीड़ा जब तक सार्वजनिक पीड़ा के रूप में अभिव्यक्त होती रहेगी, कविता तब तक लिखी जाती रहेगी, कविता तब तक लिखी जाती रहेगी। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, विमोचन हुआ है ट्रू मीडिया केंद्रित, जो रामकिशोर जी उपाध्याय जी के ऊपर है। मैं धन्यवाद देता हूँ ट्रू मीडिया के संस्थापक, संचालक और संपादक श्री ओम प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को, कि वो ऐसे ऐसे कवि, ऐसे ऐसे लेखक जो कि गुमनामी के अंधेरे में भटक रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अपना पूरा जो ज्ञान है वो उनको गुमनामी के अंधेरे में चला जाता है, जिनको कोई पहचानता तक नहीं है, लेकिन इस ट्रू मीडिया के ज़रिए लोग अब उनको पहचानने लगे हैं, उनको वो मान देने लगे हैं जो उच्च साहित्यकारों को भी प्राप्त होता है। इस बारे में ट्रू मीडिया जितना भी काम करे उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वो ऐसे ऐसे कवियों को, लेखकों को खोज के लाते हैं जहाँ से कि पता नहीं चलता भाई ये भी हैं। आज हमारे उपाध्याय जी के ऊपर जो केंद्रित अंक इन्होंने निकाला है, उसके बारे में जब जगह जगह विमोचन हुआ तो सबको पता लगा कि ओम प्रकाश जी भी कोई इस लेखन दुनिया में एक हस्ती हैं, एक उनका नाम है। हमारे सामने आदरणीय विजय जी बैठे हैं, इनका नाम तो बहुत पहले है, इनका नाम भी ट्रू मीडिया के ज़रिए आया है, इनका नाम भी होगा आगे। जो यहाँ कुछ बैठे हैं, हो सकता है हमारे में से कहीं दूसरे में छांट के आए लोग जिनको जाने पहचाने। और जहाँ तक
उपाध्याय जी का सवाल है वो एक सरल सहज हृदय निर्मल हृदय के व्यक्तित्व रखते हैं और उनकी कविताओं का जो तथ्य है यथार्थ के ऊपर है, सत्य के ऊपर है। और चूंकि सत्य हमेशा कटु ही होता है, लेकिन उन्होंने जिस सत्य को संवेदनाशीलता से प्रकट किया है, लिखा है, वो पढ़ने योग्य है। मैं राकेश त्रिपाठी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है आप सब विद्वज्जनों के बीच आज मुझे बैठने का मौका मिला, और दो बातों के लिए बधाई दे दूं। एक तो डॉक्टर उपाध्याय का संसर्ग आज मिला, इनके साथ बैठने का मौका मिला, इनको बधाई दे दूं इस बात की कि इनके ऊपर एक अंक विशेषांक निकला है। दूसरी बधाई डॉक्टर पुष्पा जोशी को कि उनका जन्मदिन है आज, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो मेरे पड़ोस में है, ये हमारा सौभाग्य है, और उनकी वजह से कविता का प्रसाद, साहित्य का छोटा मोटा प्रसाद मुझे रोज़ मिलता रहता है। प्रसाद इसलिए कह रहा हूँ कि पत्रकारिता में हूँ, पिछले 25 सालों से पत्रकार हूँ, और टेलीविज़न का पत्रकार अनपढ़ होता है, उसको कुछ पता नहीं होता साहित्य से। साहित्य छूटे हुए मुझे शायद 25-26 साल हो गए, जितने साल हुए टेलीविज़न में आए हुए उतने साल हो गए साहित्य पढ़े हुए। तो वैसे तो छोटा मोटा जो भी पढ़ लेता हूँ वो उससे मन भर लेता हूँ, लेकिन उनका सामीप्य, उनका पड़ोस में होना मुझे कुछ देता है, हमें हमारे परिवार को कुछ मिलता है, और मुझे बड़ी खुशी है आज उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। और कविता के बारे में क्या कहूँ, आप सब लोग साहित्य के बड़े गुणीजन हैं, आप लोग बेहतर समझते होंगे। मैं बहुत छोटा खिलाड़ी क्या हूँ, मैंने तो चलना सीखा है, तो इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ कि लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कवि को सच लिखना चाहिए, कवि वही है जो सच है वो बाहर निकाले, और उसके लिए मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बंधन होते हैं, लेकिन अगर उन बंधनों में बंध कर लिखा तो फिर लिखना संभव नहीं हो पाता, और न वो साहित्य कालजयी होता है, लोग उसे याद भी नहीं रखते। इसलिए मुक्त होकर लिखने की कोशिश जिसने की, मुझे ऐसा लगता है उसी की रचनाएं लोगों को याद रहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब, आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े वरिष्ठ हैं, साहित्य में आप लोगों की पहचान है, आप लोगों का साहित्य पढ़ूँगा धीरे धीरे। अभी ये मैगज़ीन है ट्रू मीडिया का, ये विशेषांक पढ़कर मैं डॉक्टर उपाध्याय के बारे में जानूंगा और उनका रचना संसार जो है वो उसके और करीब होने की कोशिश करूंगा। मेरा सौभाग्य आप सब लोग हैं यहाँ पर, उनके बीच में मैं बैठा हूँ, मैं आज ये दिन याद रखूंगा दो वजहों से, एक तो डॉक्टर पुष्पा जोशी का बर्थडे, और डॉक्टर उपाध्याय और डॉक्टर बिष्ट, इन सब के साथ बैठने का मुझे मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हरिसुमन बिष्ट, रामकिशोर उपाध्याय जी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, ओम प्रकाश जी और तमाम यहाँ साहित्यकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर जोशी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, और उन्हीं की वजह से आज यहाँ जितने भी साहित्यकार आ रखी हैं उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक ट्रू मीडिया ने जो मैगजीन निकाली है ट्रू मीडिया, उसमें रामकिशोर उपाध्याय जी के बारे में जो विशेषांक निकला है उसको मैंने पढ़ा, उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान है, जैसे एक राम सेतु में गिलहरी का योगदान था वैसे एक मेरा भी योगदान है उसमें थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत ही सहज किस्म के व्यक्तित्व हैं। मैंने इनको काफ़ी कुछ पढ़ा इनके बारे में, इनका एक है ड्राइंग रूम के कोने जो इनकी किताब है, उनको मैथिली शरण गुप्त भारतीय रेलवे से वो मिला है पुरस्कार, तो उसमें मैथिली शरण गुप्त ने ये भी कहा था कि जो साहित्य होता है उसमें कर्म के साथ साथ मर्म भी होना चाहिए, मैंने पढ़ा था उनके बारे में। तो इनके जो ड्राइंग रूम के कोने हैं उसमें बिल्कुल सटीक और सही पुरस्कार इनको मिला उसमें, और ये इनके बारे में ये भी है कि ये अंग्रेजी साहित्य, नेपाली साहित्य और हिंदी साहित्य। मैं श्वेताब पाठक, आप सभी साहित्यकारों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खासकर तौर से डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी एवं डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय जी और पुष्पा जोशी जी, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और पुष्पा जोशी जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहां पे अभी ट्रू मीडिया की तरफ से रामकिशोर उपाध्याय जी पे आधारित विशेषांक का आज लोकार्पण भी हुआ है, तो उसके लिए भी ट्रू मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं इसके लिए, वो काफ़ी सराहनीय कार्य है।
क्योंकि आज ट्रू मीडिया एक विशेषांक तौर पे जिन जिन कवियों का, जिन जिन साहित्यकारों का जिस हिसाब से प्रस्तावना या उनकी रूपरेखा या उनके विषय में आगे निकालता है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि जब तक हम कवि को नहीं जानेंगे उसकी हम कविता को नहीं समझ सकते। कहा भी गया है भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, खग की भाषा खग ही जाने। तो जब तक हम कवि को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम किसी साहित्यकार को नहीं समझ पाएंगे, उसके जीवन परिदृश्य को नहीं समझ पाएंगे कि किस आवेश में उसने लिखा है, किस परिस्थिति में उसने लिखा है और उसका उसका कैसा समय कैसा रहा है, काल कैसी रही है, परिस्थितियाँ कैसी रही हैं, अगर हम उसको नहीं समझ पाएंगे तो हम उसकी कविता का मर्म भी नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रू मीडिया ने इस विशेषांक का जो अपनी तरफ से उद्घाटन किया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साहित्यकारों का हम लोगों को पता लगेगा कि कौन साहित्यकार कैसा था। और मैं आशा भी करता हूँ कि भविष्य में ऐसा भी होने वाला है कि जब भी किसी कवि की पुस्तक सामने कोई लेगा तो जरूर ट्रू मीडिया के विशेषांक को जरूर देखेगा कि इन इस कवि का विशेषांक कौन सा है, ताकि पहले मैं उसके चरित्र को पढ़ लूँ, इसके बाद उनके जो है कवि को पढ़ूँ। क्योंकि आजकल होता भी ऐसा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। आज कबीरदास की पुस्तक का अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, रामचरितमानस के अर्थ का अनर्थ निकल रहा है। वो किस लिए निकल रहा है? क्योंकि लोग आज कवि को नहीं समझते कि वो उसने किस परिस्थिति, किस काल, किस नियम और किस आवेश में लिखा हुआ है। मैं ओम प्रकाश शुक्ल, महासचिव युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच, आप सभी का इस आयोजन में अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य आकर्षण हमारे हरिसुमन बिष्ट जी और आज की ऑनर मैडम डॉक्टर पुष्पा जोशी जी और ट्रू मीडिया के संपादक ओम प्रकाश प्रजापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। नवंबर 2016 का अंक आदरणीय हमारे मंच के अध्यक्ष रामकिशोर उपाध्याय जी पर केंद्रित, उसके लिए मैं ट्रू मीडिया के संपादक ओम प्रकाश प्रजापति जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हालांकि जब इसका अंक निकालने की बात हुई, उपाध्याय जी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि अभी मैं उस स्तर का नहीं हूं। फिर भी क्योंकि व्यक्ति तो अपने बारे में नहीं जानता, दुनिया जानती है, तो मंच से जो संबंधित लोग हैं उन लोगों ने अपने अपने जब विचार देना शुरू किया, हमने आश्वासन दिया कि ये अंक आना चाहिए। और प्रजापति जी ने बड़ा अच्छा अंक निकाला है, लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिला है, अच्छे अच्छे लोगों के विचार आए हैं, देश विदेश से आए हैं, यही नहीं कि भारत से, भारत के कोने कोने से और बाहर विदेश से भी आए हैं, कई देशों से जो रचनाकार हमारे मंच से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने अपने उद्गार इस पत्रिका में भेजे। बड़ा अच्छा एक साहित्यिक पत्रिका निकल के आई है और युवा रचनाकारों को उनके व्यक्तित्व को जानने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। रचनाकार के व्यक्तित्व को, एक वरिष्ठ रचनाकार के व्यक्तित्व को जानना और उसका अध्ययन करना नए रचनाकारों का बहुत मार्गदर्शन करेगी वो पत्रिका। आज मेरे आमंत्रण पर ट्रू मीडिया के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर आकर जो मुझे खुशी दी है आप लोगों ने, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, साथ साथ धन्यवाद भी करती हूँ। और ट्रू मीडिया तो इतना बड़ा काम कर रही है, इतने साहित्यकारों का, ऐसा नहीं कि हरिसुमन बिष्ट जी को पहचान नहीं मिली थी, पहचान उनकी थी, उनके ऊपर विशेषांक निकालना ट्रू मीडिया उससे गौरवान्वित हुआ है, ट्रू मीडिया को उससे गौरव की प्राप्ति हुई है हरिसुमन बिष्ट जी के ऊपर विशेषांक का। क्योंकि हरिसुमन बिष्ट जी तो जाने कब के कथाकार है, आज के नहीं है, रामकिशोर उपाध्याय जी पहले से इतने लोगों के बीच में छाए हुए हैं, इतना बड़ा मंच संभाल रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं युवा उत्कर्ष के, इनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं मेरे ख्याल से, मनोज कामदेव को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये ट्रू मीडिया से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ट्रू मीडिया से लोगों का जुड़े होना ही हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और ट्रू मीडिया का भी गौरव बढ़ता है जब लोग अच्छे लोग उससे जुड़ते हैं। और मैं ओम प्रकाश जी से हमेशा ये कहती हूँ कि हम एक संस्था से नहीं, हमें सभी संस्थाओं से मिलकर चलना है, सबसे जुड़कर चलना है, सबके साथ हमको लेकर चलना है, मिलकर चलना है, और हमें एक अकेलापन उससे महसूस नहीं होगा। हम चार लोगों में बैठेंगे, अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे। और रामकिशोर जी को मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस बात को माना कि
मेरे ऊपर विशेषांक निकाल दीजिए, वरना ये तो मना कर रहे थे, इसलिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अरिसुमन बिस्ट जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आज हमारे इस आयोजन में आए और हमें गौरवान्वित किया। बाकी आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ममता लड़ीवाल, आज ट्रू मीडिया का राम किशोर उपाध्याय जी के ऊपर जो विशेषांक निकला है उसका विमोचन है, और उसमें आदरणीय पुष्पा जोशी जी ने मुझे आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं पुष्पा जोशी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साथ ही राम किशोर उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई। ट्रू मीडिया स्थापित रचनाकारों और नव रचनाकारों दोनों को साथ लेकर चल रहा है, उनके बारे में जानकारी दे रहा है, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। साहित्य में बहुत इस साहित्य का पूरा क्षेत्र इससे लाभान्वित हो रहा है, और ट्रू मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके इस कदम से और उनके इस कार्य से जो लाभ हम सबको मिल रहा है वो इसी तरह सुचारू रूप से चलता रहे, और ट्रू मीडिया एक उपलब्धि है और इसी तरह जारी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमस्कार, हम मीनाक्षी सुकुमारन। सबसे पहले पुष्पा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, साथ ही रामकिशोर जी को इनके विशेष अंक पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ट्रू मीडिया के माध्यम से मुझे जुड़े हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन लोग मुझे पहचानने लगे हैं, क्योंकि ट्रू मीडिया के द्वारा जब मेरा इंटरव्यू प्रसारित हुआ तो लोगों को लगा कि हाँ, मीनाक्षी एक नाम है। जैसे पुष्पा जी ने कहा कि पहले से लिखते हैं, हम भी पहले से राष्ट्रीय सहारा और कई न्यूज़पेपर्स में लिखते रहे हैं, रेडियो में भी लगातार, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो हमारे लाइव शोज़ होते थे, मगर वही बात है, ना तब व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना कोई प्रूफ है, बस ये है कि हाँ, पुराने कैसेट्स ज़रूर होंगे जिनमें हमारी यादें ताज़ा हैं, बट फेसबुक और ट्रू मीडिया से जो अब पहचान मिली है कि लोगों को पता चला है कि हाँ, हम भी थोड़ा सा लिखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, नए हैं, नया कदम है, तो इसलिए ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से जो हम लोगों को जो नव अंकुर ही है कि जो एक पहचान मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पुष्पा जी को एक बार धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में शामिल हो पाऊँ। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और रामकिशोर जी, हार्दिक बधाई आपको।